वेलकम बैक व्यूअर्स, चटपटी सी चपली कबाब की रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। आज जो चपली कबाब की रेसिपी मैं आपको बताने जा रही हूँ वो दूसरों से बहुत डिफरेंट है। इसमें कुछ न्यू और डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स मैं डालूंगी और उसके बारे में आपको मैं अभी वन बाय वन बताती जाती हूँ। सबसे पहले मैंने लिया है ग्राउंड बीफ जो कि 2 पाउंड है। इसके अंदर मैंने डालना है ग्रीन चिली, इसे मैंने बारीक काटा हुआ है। इसमें मैं डालूंगी क्रश्ड अनियन, बारीक कटे हुए हैं। इसमें मैंने डालना है कोरिएंडर लीव या हरा धनिया, बारीक क्रश हुआ हुआ है। इसके अंदर जाएगा जिंजर एंड गार्लिक यानी लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 टेबलस्पून मैंने निकाल के रखा हुआ था। नाजरीन, चपली कबाब इस तरह से बहुत मज़ेदार लगते हैं कि आप इसे बहुत से मुख्तलिफ अंदाज में बना सकती हैं। तो इसके अंदर नेक्स्ट है क्रश्ड रेड पेपर पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, कोरिएंडर सीड्स या खुश्क धनिया, क्यूमिन पाउडर, सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से, ये है नाजरीन बेसन या ग्राम फ्लावर या चिकपी फ्लावर। मैंने इसे पहले ही तवे पर हल्का सा भून लिया है, इसको फ्राई कर लिया और फिर इसके बाद इसमें ऐड कर रही हूँ। कुछ लोग डायरेक्ट भी डाल देते हैं, आप इसे फ्राई करके डालें तो फ्लेवर और अच्छा आएगा। इसके अंदर जाएगा 1 अंडा, 1 अंडा मैं थोड़ा सा ऑयल। जी नाजरीन, अब आते हैं हम अपने सरप्राइज इंग्रेडिएंट्स की तरफ। इसमें मैंने इस्तेमाल करने हैं क्रश्ड नट्स, ये जो है पिस्ता, बादाम और अखरोट जो है मैंने इसको बारीक क्रश किया हुआ है वो इसमें डाल रही हूँ। इससे ये होगा कि आपके जो कबाब हैं वो बहुत क्रिस्पी और डिफरेंट टेस्ट के आएंगे। इसको कहते हैं कसूरी मेथी या फेनिग्रन लीव्स। यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स कार्ड में आप देख सकती हैं, ये भी डाल रही है। इसकी बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आती है खाने में। यह है पोमोग्रेनेट सीड या अनारदाना, ये आपका ऑप्शनल चॉइसेस हैं। ये डालने से आपकी जो है कबाब में थोड़ा सा जो है वो टेस्टी और थोड़ी सी मिठास से भी आएगी। तो चलें हम शुरू करते हैं इनको मिक्स करना। मिक्स करने के लिए आपको इसको बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड करना है हाथ से, ताकि ये इसके इंग्रेडिएंट्स कीमे के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो एटलीस्ट आपको 5 से 10 मिनट लगेंगे इसको मिक्स होने में, फिर हम इसके कबाब बनाएंगे। सो व्यूअर्स, हमारा कीमा जो है बिल्कुल यकजान हो गया है, सारे स्पाइसेस और सारी चीज़ें इसके अंदर मिक्स हो चुकी हैं। तो अब मैं इसका कबाब बनाने का मरहला स्टार्ट कर रही हूँ। कबाब बनाने के लिए आप थोड़ा सा ऑयल अपने दोनों हाथों में हथेलियों पे लगाएं, तो उससे कबाब आपके चिपकेंगे नहीं आपके हाथ में। चपली कबाब नाजरीन ज़रा साइज में थोड़ा बड़ा बनाया जाता है, क्योंकि ये जब आप इसको पका रही होती हैं, कुक कर रही होती हैं, तो ये जो है श्रिंक हो जाती है, तो इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। आप इसके शेप भी इसका डिफरेंट रख सकती हैं, कुछ लोग बेजवी शेप या ओवल शेप में बनाते हैं, कुछ राउंड बनाते हैं, तो ये टोटली आप पे अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसके किस शेप में कबाब बनाते हैं। तो चपली कबाब बच्चों का, बड़ों का मोस्ट फेवरेट है। आप इसे एज ए स्नैक चाय के साथ भी ले सकती हैं। मोस्टली बच्चे इनका बर्गर बना के खाते हैं, आप इन्हें पराठा रोल के तौर पर भी बना सकती हैं, आप इसको टाकोज में या शवारमा के अंदर डाल के भी बना सकती हैं। सो मेरे घर में तो ये हमेशा फ्रीज़र में बना के रखती हूँ मैं, क्योंकि बच्चों का सबका पसंदीदा है। तो जब कभी आपको सहूलत लगे पकाने का दिल करे तो आप फ्रीज़र में से निकालें और इसे पकाएं, कुक करें। तो नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि ये एक डिफरेंट रेसिपी आज आपको पसंद आई होगी। तो हमारे कबाब इस तरह से मैं काफ़ी सारे बना लूँगी और फिर उसके बाद इसके फ्राई करने का मरहला आएगा। तो व्यूअर्स, अब हम इसको फ्राई करते हैं। मैंने फ्राई करने के लिए थोड़ा सा डीप पैन लिया है, क्योंकि ये कबाब जब फ्राई करें तो इसके तेल के छींटे बहुत उड़ते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि ये जो है ज़्यादा हर तरफ तेल उड़े ना। तो मैंने इसमें तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून जो है ऑयल डाला है। ऑयल देखें गर्म हो रहा है, ये मैंने कबाब बना के रखे हुए थे, अब मैं इसको पैन में डालती हूँ। आपने इसको धीमे आँच में बनाना है व्यूअर्स, क्योंकि स्लो फ्लेम में, ताकि ये अंदर से पक जाए, अदरवाइज ये होगा कि ये जो है बाहर से तो पक जाएगा और अंदर से कच्चा रहेगा। स्लो फ्लेम में थोड़ा सा इसको पेशेंस चाहिए इसको पकाने के लिए, तो ये फिर तैयार हो जाएगा। चलिए नाजरीन, वेट करते हैं कि जब ये तैयार हो जाए तो मैं इसे डिश आउट करूँगी।
बस हमारे चपली कबाब बिल्कुल तैयार हैं, दोनों तरफ से पके हैं, सीजनिंग मज़ेदार सी स्मेल भी आ रही है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी लग रही है और ये रेडी है कि मैं इसको डिश आउट करूं। तो डिश आउट करने से पहले मैं एक पेपर टॉवल लेकर उसे इसमें ट्रे में जिसमें आपने निकालना उसमें रखती हूँ ताकि इसमें थोड़ा सा ऑयल होता है तो वो पेपर टॉवल में एब्जॉर्ब हो जाए। आप देख सकते हैं कि इसकी शक्ल कितनी मज़े की है, ये कितनी अच्छी लग रही है, खाने में भी ये बहुत मज़ेदार है। अपने फैमिली के साथ इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे वीडियोस को व्यूअर्स देखें ज़रूर, अपने घर में रेसिपीज को ट्राई करें और शेयर करें, अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह करें क्योंकि आपके फीडबैक से मैं अपने चैनल को बेहतर कर सकती हूँ और इसका इम्प्रूवमेंट ला सकती हूँ। तो हमारा आज की मज़ेदार सी डिश चपली कबाब एक डिफरेंट जायके के साथ, एक डिफरेंट रेसिपी के साथ मौजूद है। इसमें जो नट्स का फ्लेवर है, इसमें जो कसूरी मेथी है और अनारदाना है, उसने इसके टेस्ट को बिल्कुल डिफरेंट कर दिया है। अपने घर में इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। स्टे होम एंड स्टे सेफ। फिर मिलेंगे, बाय।